हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंटीरियर डिज़ाइनर यश मकवाना और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल इंटीक इंटीरियर। फ्रेंड, आज हम लोग एक 20 फीट बाय 14 फीट का जो प्लॉट है उसके अंदर का जो इंटीरियर का जो प्लानिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग प्लानिंग देखने से पहले उसका लेआउट प्लान समझ लेते हैं। यह जो प्लॉट है उसको दो फ्लोर के अंदर उसका प्लानिंग दिया गया है। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमें लिविंग रूम, किचन, सेंटर में हमें ओपन स्पेस, वॉश एरिया, अटैच टॉयलेट बाथरूम और उसके साथ साथ ही नीचे के फ्लोर के ऊपर हमें दो बेडरूम दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमें ओपन टेरेस दिया गया है और उसके साथ ही स्टोर रूम और पूजा रूम भी दिए गए हैं। ऊपर के फ्लोर पे भी हमें दो बेडरूम का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। तो यह था उसका लेआउट प्लान। अब उसका लेआउट प्लान समझ लिया। अब लेआउट प्लान जो है उसका मेजरमेंट मीन्स के सभी रूम्स का मेजरमेंट क्या है वो भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर के ऊपर चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सबसे पहले हमें लिविंग रूम दिखाई दे रहा है। लिविंग रूम का जो साइज है वो है 19 फीट 3 इंच बाय 10 फीट 8 इंच और उसके अंदर हमें दो और उसके अंदर ही वेंटिलेशन के लिए दो विंडो भी हमें दिखाई दे रही है। उसके जस्ट आगे हमें किचन दिया गया है और उसके साथ साथ बीच में एक ओपन स्पेस भी रखा है। ओपन स्पेस अप्रोक्स 6 फीट बाय 11 फुट 2 इंच का है और किचन है उसका 6 फीट 8 इंच बाय 11 फुट 2 इंच का और साथ में किचन के अंदर हमें 5 फीट का वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दिया हुआ है और लेफ्ट साइड के अंदर स्टेयर केस है और उसके नीचे वॉश एरिया और टॉयलेट बाथरूम का अरेंजमेंट किया हुआ है। वॉश एरिया अप्रोक्स 3 फीट 9 इंच बाय 3 फीट 9 इंच का है और जो अटैच टॉयलेट बाथरूम है वो 6 फीट बाय 4 फीट का अटैच टॉयलेट बाथरूम है और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमें दो बेडरूम का भी अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। दोनों ही बेडरूम की साइज 9 फीट 6 इंच बाय 11 फीट की है और दोनों ही बेडरूम के अंदर 6 फीट बाय 4 फीट 6 इंच का दो अटैच टॉयलेट बाथरूम दिखाई दे रहा है। दोनों ही बेडरूम के अंदर हमें 5 फीट की विंडो दिखाई दे रही है। तो यह था ग्राउंड फ्लोर का प्लान और अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते ही हमें एक ओपन स्पेस देखने को मिल रहा है जो कि है 6 फीट बाय 11 फीट 2 इंच का एक ओपन स्पेस है और साथ में ही हमें 6 फीट बाय 6 फीट का स्टोर रूम दिखाई दे रहा है और उसके जस्ट बाजू में हमें 6 फीट 5 इंच बाय 4 फीट 9 इंच का एक पूजा रूम दिखाई दे रहा है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमें ओपन टेरेस भी देखने को मिल रहा है जो कि है 19 फीट 10 इंच बाय 11 फीट 1 इंच का एक ओपन टेरेस दिखाई दे रहा है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी हमें दो बेडरूम का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। दोनों ही बेडरूम 9 फीट 6 इंच बाय 11 फीट के दो बड़े बेडरूम हमें दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही बेडरूम के अंदर अटैच टॉयलेट बाथरूम भी दिए गए हैं। दोनों ही टॉयलेट बाथरूम 6 फीट बाय 4 फीट 6 इंच के टॉयलेट बाथरूम दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए 5 फीट की एक बड़ी सी विंडो दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड, यह था उसका मेजरमेंट प्लान। अब हमने मेजरमेंट प्लान समझ लिया तो उसके बाद हम लोग चलते हैं उसके फर्नीचर प्लान के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर के ऊपर चले जाते हैं। तो सबसे पहले एंट्री करते ही हमें लिविंग रूम दिखाई दे रहा है। लिविंग रूम के अंदर हमने एक एल सोफा का अरेंजमेंट किया है और उसके जस्ट सामने एक टीवी यूनिट का भी अरेंजमेंट किया हुआ है। उसके आगे चलते ही हमें एक किचन एरिया दिखाई दे रहा है। किचन एरिया के अंदर एक बड़ा सा क्रॉकरी यूनिट और उसके साथ में ही एक अप्रोक्स 10 फीट का प्लेटफॉर्म भी हमें दिखाई दे रहा है। प्लेटफॉर्म के अंदर हमने एक बेसिन का भी अरेंजमेंट किया हुआ है और उसके साथ ही हमने फ्रिज के लिए भी एक पर्टिकुलर जगह दी हुई है। उसके लेफ्ट साइड में हमें स्टेयरकेस दिखाई दे रहा है जिसके नीचे वॉश एरिया का अरेंजमेंट है और उसके साथ साथ ही अटैच टॉयलेट बाथरूम भी है। तो फ्रेंड्स, किचन के जस्ट आगे चलते हैं तो हमें दो बेडरूम दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही बेडरूम के अंदर एक 6 फीट बाय 6 फीट का एक बेड का अरेंजमेंट हमें दिखाई दे रहा है और साथ में ही दोनों ही बेडरूम के अंदर वार्डरोब भी दिया हुआ है। एक बेडरूम के अंदर फ्रेंड्स ड्रेसिंग के लिए एक मिरर का अरेंजमेंट किया गया है और दूसरे बेडरूम के अंदर ड्रेसिंग के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं किया गया है। एक बेडरूम के अंदर हमें दोनों ही साइड टेबल दिखाई दे रहे हैं और दूसरा जो बेडरूम है उसके अंदर साइड टेबल का कोई अरेंजमेंट नहीं है। दोनों ही बेडरूम के अंदर हमें अटैच टॉयलेट बाथरूम दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर के ऊपर चलते हैं।
फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते ही हमें सामने की साइड स्टोर रूम और पूजा एरिया दिखाई दे रहा है, और उसके जस्ट बाजू में एक बड़ा सा ओपन स्पेस मीन्स के एक ओपन टेरेस दिखाई दे रहा है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी ग्राउंड फ्लोर की तरह ही दो बेडरूम का अरेंजमेंट किया गया है। दोनों ही बेडरूम के अंदर एंट्री करते ही हमें एक अटैच टॉयलेट बाथरूम भी दिया गया है, और साथ में ही 6 फीट बाय 6 फीट का दोनों ही बेडरूम के अंदर बेड का एक अरेंजमेंट किया गया है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी एक बेडरूम के अंदर ड्रेसिंग के लिए एक बड़े से मिरर का अरेंजमेंट किया गया है, जो कि वार्डरोब के बाजू में है। और दूसरा जो बेडरूम है उसके अंदर ड्रेसिंग के लिए कोई स्पेशल मिरर का अरेंजमेंट नहीं किया गया है, लेकिन बेड के दोनों ही साइड हमें साइड टेबल देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी दोनों ही बेडरूम के अंदर हमें वेंटिलेशन के लिए विंडो का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड, यह था फर्नीचर का लेआउट प्लान। अब फर्नीचर इम्प्लीमेंट करने के बाद यह वर्किंग के लिए हमें कितनी जगह मिल रही है वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर के ऊपर चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 3 फुट 7 इंच की हमें एंट्री दिखाई दे रही है। जो हमने लिविंग रूम के अंदर एल टाइप सोफा रखा हुआ है उससे टीवी यूनिट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 16 फीट 7 इंच का, और हमें टीवी यूनिट जो है वो भी एक बड़ा सा 10 फीट 9 इंच का एक टीवी यूनिट हमें मिल रहा है। उसके आगे चलते ही हमें 5 फुट 11 इंच का एक बड़ा सा एंट्री गेट देखने को मिल रहा है, और बीच में ही हमें एक ओपन स्पेस देखने को मिल रहा है जो कि 10 फुट 7 इंच का एक बड़ा सा ओपन स्पेस है, और साथ में ही हमें 10 फुट का एक किचन भी मिल रहा है। किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने एक 2 फीट बाय 2 फीट का एक बेजिन के लिए भी अरेंजमेंट किया हुआ है, और किचन के अंदर के वेंटिलेशन के साथ साथ हमने 10 फुट का एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म भी दिया हुआ है, और साथ में फ्रिज रखने के लिए भी एक परफेक्ट जगह का अरेंजमेंट किया हुआ है। किचन के अंदर भी हमें एक 6 फीट 8 इंच की एक बड़ी सी क्रॉकरी यूनिट का भी अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। लेफ्ट साइड जो स्टेयर है उसके जस्ट नीचे एक वॉश एरिया और अटैच टॉयलेट बाथरूम का भी अरेंजमेंट किया गया है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो बेडरूम्स है उसकी दोनों की एंट्री 3 फुट की है, और दोनों के अंदर हमें अटैच टॉयलेट बाथरूम का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो बेडरूम 1 है उसके अंदर हमें 6 फीट 5 इंच बाय 1 फीट 10 इंच का एक वार्डरोब दिखाई दे रहा है। उसके साथ में ही 6 फीट 6 इंच का जो बेड है उसके साथ साथ ही 1 फुट 7 इंच का दोनों ही साइड हमें साइड टेबल दिखाई दे रहा है। बेडरूम के अंदर जो वॉल से लेकर बेड के बीच में जो डिस्टेंस है वो है अप्रोक्स 3 फीट 2 इंच का, और साथ में ही वेंटिलेशन के लिए हमें 5 फीट की एक बड़ी सी विंडो दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं बेडरूम 2 के अंदर। तो बेडरूम 2 के अंदर भी हमें 3 फुट का एक एंट्री मिल रहा है, और उसके साथ साथ में ही एक अटैच टॉयलेट बाथरूम भी दिखाई दे रहा है, और उसके साथ हमें आगे चलते एक वार्डरोब दिखाई दे रहा है। वार्डरोब की साइज अप्रोक्स 6 फीट 5 इंच बाय 1 फुट 10 इंच की है। फ्रेंड्स, बेडरूम 2 के अंदर हमें 2 फीट 5 इंच का एक बड़ा सा मिरर दिखाई दे रहा है, जो कि ड्रेसिंग के पर्पज से हमने अरेंजमेंट किया हुआ है, और उसके साथ साथ ही बेड और वॉल के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3 फीट 2 इंच का। फ्रेंड्स, यह बेडरूम के अंदर भी हमें एक 5 फीट का एक बड़ा सा विंडो दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमें एक ओपन टेरेस दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ ही एंट्री करते ही हमें एक ओपन स्पेस देखने को मिल रहा है। फ्रेंड, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एंट्री करते ही ओपन स्पेस के जस्ट सामने हमें 6 फीट बाय 6 फीट का एक बड़ा सा स्टोर रूम दिखाई दे रहा है, और उसके जस्ट बाजू में 6 फीट 4 इंच बाय 4 फीट 10 इंच का एक पूजा एरिया मीन्स के एक छोटा सा मंदिर भी दिखाई दे रहा है। फ्रेंड, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी हमने 2 बेडरूम का अरेंजमेंट किया हुआ है। तो फ्रेंड, बेडरूम 3 के ऊपर चलते हैं। तो 3 फुट की हमें उसके अंदर एक एंट्री देखने को मिल रही है। उसके अंदर भी हमें एक अटैच टॉयलेट बाथरूम का भी अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। फ्रेंड, बेडरूम 2 के अंदर भी एक ड्रेसिंग के लिए हमें एक बड़ा सा 2 फीट 5 इंच का मिरर दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ में 6 फीट 5 इंच बाय 1 फीट 10 इंच का एक वार्डरोब भी दिखाई दे रहा है। फ्रेंड, बेडरूम 3 के अंदर भी एक 6 फीट बाय 6 फीट का एक बड़ा सा बेड का अरेंजमेंट किया हुआ है, और उसके साथ साथ ही वॉल से लेकर जो बेड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 फीट 2 इंच का डिस्टेंस हमें दिखने को मिल रहा है। फ्रेंड, बेडरूम 4 के ऊपर अब हम चलते हैं। बेडरूम 4 के अंदर भी हमें एक 3 फीट का एंट्री दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ ही हमको एक अटैच टॉयलेट बाथरूम का भी अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। बेडरूम 4 के अंदर भी हमें 6 फीट 5 इंच बाय 1 फीट 10 इंच का वार्डरोब दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ 6 फीट बाय 6 फीट का एक
बेडरूम का अरेंजमेंट हमें दिखाई दे रहा है और उसके साथ बेड के दोनों ही साइड हमें 1 फीट 7 इंच का एक साइड टेबल का भी अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। और बेडरूम 4 के अंदर भी बेड और वॉल के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3 फीट 2 इंच का। तो फ्रेंड ये था फर्नीचर का वर्किंग प्लान। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो 20 फीट बाय 40 फीट का जो लेआउट प्लान के साथ साथ जो फर्नीचर प्लान था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आपकी लाइफस्टाइल, डेली एक्टिविटीज, ह्यूमन साइकोलॉजी और वास्तु को ध्यान में रख के आप किसी भी तरह का 2D या फिर 3D ड्राइंग बनवाना चाहते हैं या फिर आपके घर का या ऑफिस का किसी भी तरह का इंटीरियर प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट के ऊपर हमें ज़रूर इंक्वायरी करें। फ्रेंड्स अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो या फिर हमारे चैनल के ऊपर आप नए हो तो मैं आपको बता दूं कि एवरी संडे शाम को 5 बजे हम आपके लिए इंटीरियर रिलेटेड ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तो रेगुलर अपडेट में रहने के लिए और रेगुलर हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले टाइम के अंदर हमारा कोई भी नॉलेजेबल वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो और आपको तुरंत आपके मोबाइल के ऊपर उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।